यहाँ पर लाइव एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर 17 तारीख से यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको डाउनलोड करके। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज पर हमको लेकर जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अप्लाई दिया है ना, अप्लाई यूज़र इंस्ट्रक्शन और व्यू एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 17/10/2022 से यहाँ पर फॉर्म जो फिल करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 अक्टूबर 2022 से है, और जो लास्ट डेट है वो है दोस्त 6/11, मतलब कि 6 नवंबर 2022 इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। उसके बाद से अगर फी डिपोजिशन मतलब कि फीस जमा करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 6/11/2022, सॉरी लास्ट डेट। यहाँ पर फीस जो डिपॉजिट करने का जो लास्ट डेट है यहाँ पर 6/11/2022, मतलब कि 6 नवंबर 2022 तक यहाँ पर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को ना देखते हुए यहाँ पर पहले हम व्यू एडवर्टाइजमेंट पर, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, नोटिफिकेशन है, उसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं हिंदी वर्जन में। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे व्यू एडवर्टाइजमेंट पे, तो यहाँ पर नए पेज पर हमको लेकर आएगा। यहाँ पर देख सकते हो, इंग्लिश पीडीएफ फाइल में अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो इंग्लिश फाइल पीडीएफ फाइल में यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो हिंदी पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू, हिंदी वाला हम लोग देख लेते हैं, हिंदी वाला डाउनलोड कर लेते हैं। तो जब तक डाउनलोड होता है दोस्त, तब तक हम लोग एक मिनट डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, फाइनली यहाँ पर जो पीडीएफ है, यहाँ पर वन दरोगा का जो नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो फाइनली डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 6/2022 का ये वन दरोगा मुख्य परीक्षा का ये नोटिफिकेशन है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना जो है प्रारंभ हो चुका है। होने की तिथि है 17/10/2022, मतलब 17 तारीख से ये स्टार्ट है फॉर्म भरना। आप लोग अगर इच्छुक है इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए, तो आप लोग इसको भर सकते हो। और अभी मैं आगे बताऊँगा कि कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 6/11, मतलब कि 6 नवंबर 2022 तक है, और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 13/11/2022, मतलब कि 13 नवंबर 2022 तक आप लोग जो फीस है उसको जमा कर सकते हो। और आवेदन में जो त्रुटियाँ हैं, ठीक है, आवेदन करते समय जो भी आप लोगों से त्रुटियाँ हो चुकी हैं उसको सही, उसमें सुधार लाने के लिए दोस्त आप लोग 13 नवंबर तक आप लोग उसमें सुधार ला सकते हो, ठीक है, फिर से फॉर्म भर सकते हो, मतलब कि जो वो त्रुटि है उसको सही कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ बॉक्स दिया है, बॉक्स में हम लोग पढ़ लेते हैं बॉक्स में क्या दिया है। यहाँ पर दिया है विशेष कथन उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 6/11/2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर लिया जाता है। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक में से शुल्क का समायोजन 6/11/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबता 7 दिवस के अंदर अर्थात 13/11/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। मतलब 13/11/2022 तक आप लोग फीस जमा कर सकते हो, और जो भी आप लोगों से त्रुटि हो चुका है फॉर्म भरते वक्त उसमें आप लोग सुधार कर सकते हो 13 नवंबर 2022 तक, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो विज्ञापन है यहाँ पर दिया है उसके बारे में, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 06/2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन वन दरोगा 701, मतलब कि यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो पद रहने वाला है यहाँ पर इस वैकेंसी में वो है 701 पद, मतलब कि 701 सीट आप लोगों के लिए यहाँ पर है, जिसमें सारे कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, आप लोगों के सामान्य जनरल के भी, ओबीसी एससी एसटी, ठीक है, और जितने भी फ्रीडम फाइटर वाले हैं उनका जो सीट है वो अलग अलग है। तो टोटल मिला के 701 पद हैं, तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। अगर आप लोग यहाँ पर 2021 वाला आप लोग पेट का पेपर दिए हो, ठीक है, उसमें स्कोर कार्ड आप लोगों को मिला है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। चयन हेतु भारत के नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, और भी इसमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो वो भी मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा कि वो स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आप लोगों के पास इस फॉर्म को भरने के लिए। फिर दिया है वन दरोगा मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग, उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021, मतलब कि हमने बोला ना आप लोगों से जो पेट 2021 वाली जो आप लोगों का स्कोर कार्ड है उसके आधार पर की जाएगी इसमें भर्ती। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं। आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर दिया गया है एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ।
यहाँ पर दिया गया है एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्थात परीक्षा 2021 में वास्तविक एब्सोल्यूट, यहाँ पर जो वास्तविक एब्सोल्यूट दिया है स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में शून्य या कम नकारात्मक अंक वाले, मतलब कि जो वास्तविक स्कोर कार्ड है अगर उसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है वो शून्य है या उससे कम है या नकारात्मक है, ठीक है, तो आप लोगों को इस फॉर्म, ये फॉर्म आप लोग नहीं भर सकते हो, ठीक है, आप लोगों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। बाकी शून्य से जितने भी ऊपर वाले नंबर हैं, आप लोगों के जितने भी परसेंटाइल आए हुए हैं 1, 2, 3, 5, 10, ठीक है, और 60, 70, ठीक है, तो वो सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जाँच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन व औपबंधिक श्रेणियों की अभ्यर्थियों के प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जाँच के परिणाम निर्णय अधीन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्त आवेदन, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। क्या है आवश्यक सूचना, मतलब कि ये जो ऑनलाइन आप लोग आवेदन करोगे तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आप लोग आवेदन करोगे upsc.gov.in पर, ठीक है, यहाँ पर जाके आप लोग यहाँ पर इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दिया है आवेदन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस रहने वाला है आवेदन का वो कैसा रहने वाला है, तो ऑनलाइन आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर दिया गया है जैसे कि upsc.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करें, उक्त डाउनलोड व्यू, मतलब जैसे इस एडवर्टाइजमेंट को हमने डाउनलोड किया है वैसे ही डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त आगे जो है आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, जैसे कि बगल में आप लोगों को दिखाए थे ना हमने कि अप्लाई का ऑप्शन था, तो वहाँ पर अप्लाई पर जैसे ही आप लोग प्रेस करोगे आप लोगों से जो आप लोगों का यूपीपेट 2021 का जो स्कोर कार्ड है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर है वो वहाँ पर मांगेगा और डेट ऑफ बर्थ आप लोगों का मांगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट पॉइंट, प्रारंभिक अर्थात परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र लॉगिन, मतलब वहाँ पर लॉगिन आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लोगों का यूपीपेट 2021 का जो स्कोर कार्ड है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के आधार पर यहाँ पर लॉगिन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट है व्यक्तिगत विवरण के साथ, यहाँ पर दिया है अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्थात परीक्षा 2021 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग अथवा उत्तर प्रदेश का निवासी होने के संबंधी विवरण व श्रेणी कैटेगरी भी आप लोगों को बताना है, संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद से आपके मोबाइल पर दोस्त OTP आएगा, ठीक है, OTP आएगा, जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे तो यहाँ पर OTP आएगा, OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हो आप लोग। उसके बाद से यहाँ पर दिया है आवेदन एप्लीकेशन, यहाँ पर कैसे करोगे, तो उसके बाद से अलग अलग श्रेणी का जो है सारे श्रेणियों का, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, EWS हो, SC ST, सारे श्रेणियों का जो सारे कैटेगरी का जो फीस है वो 25-25 रुपया लग रहा है। उसके बाद से जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा तो वहाँ पर उनके द्वारा जब जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो जितने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जिनको एडमिट कार्ड प्रोवाइड जो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अलग फीस रखी जाएगी एग्ज़ाम देने के पहले, ठीक है, तभी वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से जैसे ही नीचे हम लोग आते हैं पर आप लोग देख सकते हो फोटो और हस्ताक्षर, अगर मैं फोटो और हस्ताक्षर की बात करूं तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्थात परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फोटो व हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा, अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, मतलब कि जो आप लोग 2021 में प्रारंभिक पेट के एग्ज़ाम में जो भी आप लोग फोटो लगाए रहे होंगे वही फोटो उसमें लगेगा और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अभ्यर्थी फोटो अथवा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन पर को क्लिक करते हुए अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे, ठीक है। फिर अन्य विवरण देना है यहाँ पर, इस विभाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो के संबंध में यस या नो, मतलब कि कोई भी अधिमानी अर्हता आप लोगों के पास हो तो यहाँ पर यस या नो कर सकते हो। उसके बाद से घोषणा, यहाँ पर घोषणा दिया गया है, इसको प्रीव्यू करके आप लोग यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। फिर फीस का यहाँ पर भुगतान करना होगा आप लोगों को, फीस का भुगतान कितना होगा 25 रुपीज़, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर नीचे दिया गया है, एक मिनट मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को ट्रांजैक्शन आईडी, उसके बाद ये रहा, ठीक है। आप लोगों को जनरल वालों का भी 25 रुपये और OBC का भी 25 रुपये, SC ST का भी 25-25 रुपये यहाँ पर जो शुल्क है वो लिया जा रहा है, ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। तो
जब 25 रुपया लग रहा है तो दोस्त आप लोग फॉर्म सभी लोग भरिए, ठीक है। हो सकता हो आप लोगों का को जो है मौका मिल जाए, 60+ वालों को भी मौका मिल जाए कि 60+ जितने भी लोग हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए एग्ज़ाम के लिए, इसके मुख्य परीक्षा के लिए। ओके, तो आप लोग जितने भी लोग जितने भी कैंडिडेट जो हैं 50+ 60+ पाए हैं और उन्हें जो BSc है, ग्रेजुएशन है, वो साइंस साइड से या कृषि साइड से, ठीक है, अभी मैं आगे बताऊँगा कि मतलब वो स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है, वो लोग भर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्त फिर से यहाँ पर कुछ यहाँ पर मोटे अक्षरों में लिखा गया है, मुख्य परीक्षा हेतु मुख्य परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जा गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व ही किया जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए उनसे ही केवल जो अलग से जो चार्ज है 125 रुपये, 225 रुपये या 250-300, ठीक है, वो जो भी उनके द्वारा जो चार्ज रखा जाएगा वो उनसे लिया जाएगा, ठीक है। और जो शॉर्टलिस्ट नहीं रहेंगे बच्चे उनसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है, उनका केवल 25 रुपये ही कटेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्त लक आजमाने में क्या जाता है, आप लोगों को 25 रुपये ज़्यादा नहीं होते हैं, आप लोग फॉर्म को भरिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने पेट 2021 को दिया, स्कोर कार्ड आप लोगों का बढ़िया है, ठीक है, 50 नंबर से प्लस हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को भरिए और आगे किस्मत जाने, क्योंकि 701 सीट है, बहुत होते हैं, ठीक है, इसके 15 गुना बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे और शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्म को भरिए, अगर आप लोग 50+ हैं, 55+ हैं, ठीक है, 60+ हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए। और आप लोगों के पास अगर स्पेशल डिग्री है यहाँ पर BSc और साइंस साइड से या आर्ट साइड से, या आर्ट साइड से नहीं कृषि साइड से, यहाँ पर अगर आप लोग BSc किए हो तो आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिए। ओके, अभी स्पेशल कैटेगरी में बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर दिया है फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, उसके बाद से लास्ट में यहाँ पर आवेदन पत्र में संशोधन करने का जो तारीख मैंने बताया, अगर कौन कौन सा जो है अगर गलती है उसको सुधार कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर फर्स्ट दिया है नाम में वर्तनी की गलती अगर हुई है तो इसको सुधार कर सकते हो 13 तारीख तक। फिर पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती हुई है तो इसको सुधार कर सकते हो। पत्राचार का पता जो है इसमें सुधार कर सकते हो। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे कि EWS एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, यहाँ पर इसमें आप लोग सुधार कर सकते हो, ठीक है। ये सारे जितने भी दिए हैं आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर 13 नवंबर तक आप लोग इसमें सुधार कर सकते हो अगर गलती कर दी हो अगर फॉर्म भरने के समय दौरान वहाँ पर गलती कर देते हो तो इसमें सुधार कर सकते हो। अब यहाँ दोस्त आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो पदों की जो जानकारी है, अलग अलग कैटेगरी में कितने कितने सीट हैं यहाँ पर दे रखा है बाकायदे, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो वन एवं वन्य जीव विभाग, वन दरोगा, ठीक है, और इसका जो वेतनमान है, वेतन बैंड है, वो है दोस्त 5200 ग्रेड पे की ये नौकरी है, ठीक है, ग्रेड पे ₹2800 पे और लेवल 5 का यहाँ पर मैट्रिक्स रुपये यहाँ पर टोटल आप लोगों को जो मिलने वाला है 29200 से लेकर 92300 रुपये यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है इस नौकरी के दौरान। ओके, उसके बाद यहाँ पर दोस्त जो मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज है 21 और मैक्सिमम एज यहाँ पर दोस्त 40, मतलब कि 21 से 40 तक के जितने भी कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर जो जनरल कास्ट के हैं उनके लिए जो सीट आरक्षित की गई है यहाँ पर 288 सीट है और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर दोस्त 160 है, SC के लिए, ST के लिए यहाँ पर 20 सीट है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ OBC की तो यहाँ पर दोस्त 163 सीट है और EWS वालों का 70 सीट है, ठीक है। टोटल मिला के यहाँ पर दोस्त 701 सीट यहाँ पर जो है इस पद के लिए आरक्षित किए गए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर दोस्त दिया है उपयुक्त सारणी में उल्लेखित रिक्तियों में कुल व रिक्त श्रेणीवार संख्या घट बढ़ सकती है। ओके, फिर से यहाँ पर दिया है क्षैतिज आरक्षण का विवरण, जैसे कि पदों की संख्या यहाँ पर जो क्षैतिज श्रेणी है जो किसी सेना उना में काम कर चुके हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर दोस्तों कुछ छूट मिलेगी पदों की संख्या में 14, 140, 35, ये सैन्य विवेचित भूतपूर्व सैनिक कुछ की जो सीटें हैं 35 हैं, महिला के लिए यहाँ पर 40 हैं, उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो कैंडिडेट हैं वो 14 उनकी सीट है, ठीक है, और दिव्यांगजन का जो सीट है वो यहाँ पर कोई पद चिन्हित नहीं किया गया है। उसके बाद से यहाँ पर नीचे जैसे ही आते हैं, नीचे आइए आप लोग, उसके बाद से यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर आप लोगों को बाकायदे दिया है, वो स्पेशल कैटेगरी आप लोगों के पास क्या होना चाहिए जिसके आधार पर आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर दिया है उपयुक्त सारणी एक में उल्लेखित वन दरोगा के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हता आवेदन की अंतिम तिथि पर धारित करना अपरिहार्य है, जैसे कि वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित भौतिक, मतलब कि गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान,
कृषि, उसके बाद सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में से दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या अधिक विषय के साथ स्नातक उपाधि होना चाहिए, अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या पशु चिकित्सा वेटनरी विज्ञान में स्नातक उपाधि जो है धारित करना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता धारित करना आवश्यक है। मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्त, जो 50+ वाले हैं वो भी डालें, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्त जो पेट का पेट 2021 वाली जो एग्ज़ाम हुई थी, जो बच्चे उसमें शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उसमें जो हाई स्कूल पास हुए थे वो भी एग्ज़ाम को दिए थे, ठीक है, और कई बच्चे उसमें भी पास हुए थे, जो इंटर पास आउट थे वो भी दिए थे, जो ग्रेजुएशन पास आउट थे तो वो भी दिए थे। तो यहाँ पर 10 हाई स्कूल वाले, ठीक है, हाई स्कूल वाले और इंटर वाले, ठीक है, ये दिए थे, फिर जो इंटर में थे वो, ठीक है, तो हाई स्कूल और इंटर वाले तो वैसे ही छट जाते हैं, उसके बाद से बचे ग्रेजुएशन में, ठीक है। ग्रेजुएशन में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि BSc ना करके BA किए हैं, ठीक है, BA ना करके BCom किए हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें जो हैं, ग्रेजुएट डिग्री जो है वो सब लिए थे, वो सब भी उस फॉर्म को डाले थे, ठीक है। और ग्रेजुएशन में भी इसमें स्पेशल कैटेगरी मांगा है यहाँ पर दोस्त, साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो आप लोग मैथ से हो, चाहे साइंस से हो, ठीक है, या आप लोग कृषि से ग्रेजुएशन किए हो, या अभियांत्रिकी से यहाँ पर दोस्त आप लोग ग्रेजुएशन किए हो, या वेटनरी यहाँ पर पशु चिकित्सा से अगर आप लोग यहाँ पर स्नातक किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और तुम्हारे साइंस साइड, आप लोगों के साइंस साइड में जैसे कि यहाँ पर दिया है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी या मैथ, इसमें से दो विषय आप लोगों के जो ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन के दौरान आप लोगों को यहाँ पर दो विषय आप लोगों का जो है रहना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग भर सकते हो, दो विषय या उससे अधिक। अगर इसमें से एक विषय होगा तब भी नहीं आप लोग इस फॉर्म को भर पाओगे। दो विषय आप लोगों के ग्रेजुएशन के दौरान करते समय आप लोगों का जो लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था थर्ड ईयर में, तो उसमें दो विषय होते हैं ना, तो उन दोनों विषय में से इसमें से जो दिया है ना वही चीज़ होना चाहिए, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पर दिया है अधिमानी अर्हता, इन बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, लेकिन उन्हीं को दिया जाएगा जो पेट 2021 को डाले थे, और किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आयु सीमा में अगर छूट की बात करूं, यहाँ पर दिया है मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40, लेकिन यहाँ पर दोस्त कैटेगरी वाइज यहाँ पर फिर भी उनको छूट मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर OBC, SC, ST, EWS, ठीक है, इन सबको छूट मिलेगा। आरक्षण में यहाँ पर दोस्त अन्य पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकार के अधावधिक विधानमान शासनादेशों विभाग से प्राप्त अधिचयन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा, मतलब कि इनको अलग अलग कैटेगरी की वाइज से यहाँ पर दोस्त इनको आयु में छूट मिलेगी। अभी 21 से 40 यहाँ पर जो दिया है इसके द्वारा, आयोग के द्वारा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है, इसके बाद भी यहाँ पर इसको छूट दिया गया है, ठीक है, कैटेगरी वाइज छूट दिया गया है। अब चयन का आधार जो होता है वो लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर चयन होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा आप लोगों को एक देना होगा, मुख्य परीक्षा, जैसे कि आप लोगों का अभी हाल ही में यहाँ पर आप लोगों का जो फॉरेस्ट गार्ड वाला आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी जैसे पेपर हुआ था ना, उसमें वैसे ही सेम यहाँ पर वन दरोगा वाले में भी आप लोगों का पेपर होगा, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा हटके रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन, यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता मांगा है, तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फिज़िकल की, तो यहाँ पर दोस्त फिज़िकल में आप लोग फिट होने चाहिए, अभी मैं बता रहा हूँ आगे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो शारीरिक मानक परीक्षण एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, तो यहाँ पर दिया है शारीरिक मानक नियम 13(1), यहाँ पर आप लोगों का जो पुरुष के लिए मैं बता रहा हूँ, ऊँचाई जो होनी चाहिए वो 163 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊँचाई, और यहाँ पर अगर सीना का घेरा या फुलाव यहाँ पर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसके बाद से फैलाव मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर मांगा है, उसके बाद से महिला में 150 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, सीना का घेरा जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, इनमें भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर मांगा है, ओके। उसके बाद से यहाँ अगर मैं बात करूँ ऊँचाई की, तो यहाँ पर दोस्त परंतु यह कि अनुसूचित अनुजातियों गोरखा नेपाली इनके लिए क्या है, इनके लिए पुरुष के लिए यहाँ पर 152.5 सेंटीमीटर को छोड़ दिया गया है, बाकी यहाँ पर सामान्य जो जनरल लोग हैं, ठीक है, 163 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर दोस्त महिला का 145 सेंटीमीटर है ऊंचाई। उसके बाद से शारीरिक मानक नियम क्या है यहाँ पर दिया है पुरुष अभ्यर्थियों में 4 घंटों में पूरी, जैसे कि आप लोगों का वन फॉरेस्ट गार्ड वाले में था फिज़िकल में जो रनिंग थी वो क्या थी, 4 घंटों में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर आप लोगों को 4 घंटों में पैदल चलना है, और महिला अभ्यर्थी को 4 घंटों में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर चलना है। पैदल चाल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी,
फिर से यहाँ पर शारीरिक स्वस्थता नियम, तो इसमें दिया है किसी अभ्यर्थी को सेवा के में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा परिषद में परीक्षण में सफल हो जाए। ठीक है, फिर से शारीरिक स्वास्थ्यता नियम यहाँ पर दिया है, किसी महिला अभ्यर्थी को परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाए जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। प्रसूति के दौरान 6 सप्ताह पश्चात स्वास्थ्यता के लिए उसका पुनः परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नियम हैं। उसके बाद से यहाँ पर परीक्षा जो योजना है और उसका पाठ्यक्रम क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट यहाँ पर दिया है, ये देख लीजिए आप लोगों को यहाँ दिया, बंद रोगा की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों की समीक्षा 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कटाफ अंक परसेंटाइल स्कोर 0.02 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थी को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश है, यहाँ पर इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से नीचे हम लोग जैसे ही आते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नीचे आते हैं हम लोग, एक मिनट, ये रहा आप लोगों का अलग अलग जो कैटेगरी है उसके उसके आधार पर यहाँ पर दोस्तों जो जाति प्रमाण पत्र आप लोगों का लगने वाला है कब, ये तब लगेगा जब आप लोग एग्ज़ाम पास आउट कर लोगे, फिजिकल दे लोगे। ठीक है, उसके बाद से आप लोगों की जो DV होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ आप लोगों को सर्टिफिकेट जरूरी रहेगी। और यहाँ पर फॉर्म भरते वक्त भी आप लोगों को ये फॉर्म आप लोगों की इसी फॉर्मेट में आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए, उसके बाद से दिव्यांग पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधी, ये सारे आप लोगों के प्रारूप है, इसी प्रारूप को आप लोगों को जमा कर रहे, ये आगे काम आएगा। बाकी यहाँ पर दोस्त आप लोगों को फॉर्म भरते वक्त आप लोगों का बस इसका नंबर चाहिए। ठीक है, आप लोग नंबर डाल लोगे और इसका जो स्कैन कॉपी होता है उसको आप लोग अपलोड कर लोगे और आप लोगों का फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी जानकारी हो सकती थी इस वैकेंसी के दौरान आप लोगों का वन दरोगा का के संबंध में रिगार्ड में जितनी भी जानकारी हो सकती थी वो मैंने आप लोगों को दिया। तो यहाँ पर दोस्त जो 17 तारीख से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 6 तारीख तक आप लोगों का ये फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, 6 नवंबर तक, तो जो जो बच्चे इच्छुक हैं, जो जो कैंडिडेट इच्छुक हैं इस फॉर्म को भरने के लिए और जिनके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल कर रहे हैं और जिसने 2021 वाले पेट का एग्ज़ाम दिया है उनके पास स्कोर कार्ड है, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए आप लोग और एक सीट आप लोग कवर करिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आप लोगों को के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर दोस्त ये जानकारी आप लोगों को हेल्पफुल साबित हुई हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। ठीक है, वो भी इस चीज़ के बारे में उनको जानकारी हो सके। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। दोस्त आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ठीक है, वीडियो देख लेते हो बट वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इससे क्या होता है दोस्त मुझको थोड़ी मोटिवेशनल फीलिंग आती है। ठीक है, अगर आप लोग लाइक करते हो वीडियो को तो मुझको थोड़ा मोटिवेशनल फीलिंग आती है ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर आगे वीडियो आप लोगों को जितनी भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज हैं, आप लोगों के लिए जितनी भी जानकारी है वो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा सकूँ। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।